मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की और उसके फादर को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं। यहाँ लड़की का नाम नोरा और उसके फादर का नाम टोबियस होता है। माउंटेन की पीक पे पहुँच के टोबियस और नोरा ट्रोल की पहाड़ी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। टोबियस नोरा से कहता है वो तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वो ट्रोल की पहाड़ियाँ हैं, तुम्हें ट्रोल की कहानी तो याद होगी, जिस पे नोरा कहती है कहानी सच्ची नहीं होती। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। नोरा बड़ी हो चुकी है और वो एक पैलेंटोलॉजी प्रोफेसर बन चुकी है। पैलेंटोलॉजी प्रोफेसर वो होते हैं जो फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। हमें नोरा और उसकी सर्च टीम को दिखाया जाता है जो पिछले 6 महीने से फॉसिल ढूंढ रहे होते हैं। हमें उसकी टीम का एक मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम सिनकर्ड होता है। सिनकर्ड नोरा से कहता है हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, पर नोरा हार नहीं मानती। तभी उसे खुदाई के दौरान एक फॉसिल मिल जाता है जो कि एक डायनासोर का होता है, जिससे वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें डॉर माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ रेलवे के लिए टनल बनाई जा रही होती है, जिस पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। टनल के वर्कर टनल में ब्लास्ट करके अंदर काम करने जाते हैं, तभी उन्हें एक साउंड सुनाई देता है जिसके साथ ही टनल में चट्टाने गिरने लगती हैं और सारे वर्कर टनल में मारे जाते हैं। सीन यहाँ से चेंज होकर हमें आर्म फोर्स हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जो ओस्लो में होता है। हेडक्वार्टर में हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें डॉर्फ से कुछ हलचल आती है। वो 2 एयरक्राफ्ट को भेजते हैं। हेडक्वार्टर का जनरल आ जाता है। फिर जनरल देखता है कि जो एयरक्राफ्ट उन्होंने भेजे हैं पर वहाँ कोई जिंदा नहीं होता है। तभी जनरल कहता है इन सब की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को बता दो। हमें फिर प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो हेडक्वार्टर जा रही होती हैं। हमें उनका एडवाइज़र दिखाया जाता है, उसका नाम एंड्रेस होता है। हमें रक्षा मंत्री को दिखाया जाता है, रक्षा मंत्री का नाम फेडरिक होता है, जो प्राइम मिनिस्टर को डॉर्फ की इमेजेस दिखा रहे होते हैं। एक इमेज में काफ़ी बड़े फुटप्रिंट भी होते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें नोरा और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रही होती हैं। तभी वहाँ मिलिट्री आ जाती है और नोरा को चलने को कहती है। हमें हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, वहाँ एंड्रेस होता है और नोरा को लेकर एक मीटिंग में ले जाता है जहाँ प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स होते हैं। नोरा और सब बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ सिगरेट आ जाती है और कहती है हमें एक वीडियो मिला है जो प्रोटेस्ट में किसी के फ़ोन की वीडियो थी। उस वीडियो में से नोरा को साउंड सुनाई देता है और उस वीडियो में बड़े से हाथ और पैर दिखते हैं। वीडियो को लेकर काफ़ी बातें होती हैं जिसपे प्राइम मिनिस्टर नोरा को साइंटिफिक एडवाइज़र बना देती है और आंद्रेस को नोरा के साथ रहने के लिए बोला होता है। आंद्रेस प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र होता है। फिर हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। तभी उनका घर हिलने लगता है। तभी उन्हें पैरों की साउंड आती है जैसे वो किसी मॉन्स्टर की हो, जिसके कारण वो बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तब उनका घर टूट चुका होता है। हमें नोरा और आंद्रेस को दिखाया जाता है जो उन्हीं ओल्ड कपल के घर जा रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें कैप्टन क्रिस मिलते हैं। फिर नोरा उन ओल्ड कपल से बात करती है, उसे वही फुटप्रिंट मिलते हैं जो उसने वीडियो में देखे थे। उन फुटप्रिंट का पीछा 3 किलोमीटर तक किया जाता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी नोरा अपने फादर टोबियस के पास जाती है। वहाँ नोरा टोबियस को वही वीडियो दिखाती है। तब टोबियस कहता है कि ये ट्रॉल है। तभी नोरा गुस्सा हो जाती है, ये सब सच नहीं होता। टोबियस उनके साथ चलता है। फिर सब उसी जगह पर आके रुकता है, ट्रॉल को यहीं होना चाहिए। इस बात पे टोबियस और नोरा की बहस हो जाती है। तभी पीछे से ट्रॉल आ जाता है। ट्रॉल के आने पर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। हेडक्वार्टर आकर टोबियस उन्हें ट्रॉल के बारे में बताता है पर कोई टोबियस की ट्रॉल वाली कहानी पर यकीन नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर ट्रॉल को मारने के लिए मिलिट्री को ऑर्डर दे देती है। फिर नोरा अपने फादर से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके फादर ने पीएम से सही से बात भी नहीं की होती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी टोबियस नोरा को समझाता है। फिर नोरा मान जाती है। मिलिट्री को ट्रॉल का पता चल जाता है। फिर नोरा क्रिस और मिलिट्री के साथ हैडल पहुंच जाती है, वहाँ वेट करती है। थोड़ी देर में वहाँ ट्रॉल आ जाता है। फिर मिलिट्री मिसाइल फायर कर देती है पर ट्रॉल पर कोई असर नहीं होता, जिसके कारण मिलिट्री पीछे जाने लगती है। नोरा और सब भाग रहे होते हैं। तभी टोबियस वहाँ खड़ा रहता है और ट्रॉल को शांत करा रहा होता है पर एक आर्मी और सोल्जर गन फायर कर देता है जिससे ट्रॉल काफी गुस्सा हो जाता है और टोबियस को मार देता है। मरने से पहले वो नोरा को कुछ समझाता है पर उसे उस टाइम कुछ समझ नहीं आता। नोरा वहाँ से हेडक्वार्टर चल जाती है। उसे एक बुक मिलती है जिसमें ट्रॉल के बारे में लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि चर्च बेल ट्रॉल के सामने बजाने से वो काबू में आ जाएगा। इस बात पे फेडरिक मना कर देता है पर प्राइम मिनिस्टर हाँ कर देती है। फिर हमें ट्रॉल को दिखाया जाता है जो एक सिटी की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ नोरा और मिलिट्री सोल्जर आ जाते हैं और बेल बजाने लगते हैं पर ट्रॉल गुस्सा हो जाता है और हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। किसी तरह नोरा और क्रिस वहाँ से भाग जाते हैं। ये बात मीडिया तक पहुँच जाती है। ट्रॉल ओस्लो जा रहा होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर नोरा को मिशन से निकाल देती है। फिर फेडरिक न्यूक्लियर बॉम्ब
बॉम्ब की सलाह देता है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब से ट्रॉल को मार देना चाहिए, पर प्राइम मिनिस्टर मना करते हैं, इससे हमें काफ़ी नुकसान होगा। और आंद्रेस नोरा के साथ रहता है। प्राइम मिनिस्टर ओस्लो को खाली करने को कहते हैं, तभी नोरा को टोबियस की कही हुई बात याद आती है कि रॉयल पैलेस के बारे में टोबियस कुछ कह रहा होता है। नोरा और आंद्रेस रॉयल पैलेस जा रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सिंडिंग होता है। फिर सिंडिंग नोरा और आंद्रेस को एक केव में ले जाता है जिसमें बोन्स होते हैं। वो बोन्स ट्रॉल के परिवार के होते हैं। इन्हीं सबका पीछा करते हुए ट्रॉल रॉयल पैलेस आ रहा होता है। नोरा देखती है उन बोन्स पर लाइट पड़ने से बोन्स गल रही होती हैं। ट्रॉल को अपने घर आना होता है। फिर नोरा सिंडिंग से बड़े गाड़ी पूछती है, तभी ट्रॉल ओस्लो आ जाता है। तब नोरा क्रिस के पास फोन मिलाती है, कहती है कि किसी बड़ी सी जगह वो जैसे एक्बर्ग में। क्रिस हाँ कर देता है कि एक्बर्ग ही आ जाओ। तभी फ्रेडरिक प्राइम मिनिस्टर से परमिशन मांगता है, प्राइम मिनिस्टर परमिशन दे देती है। तभी आंद्रे सिंग्रेट को फोन करके पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सिगरेट बता देती है कि ट्रॉल को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आंद्रे सिगरेट को बोलता है कि सिस्टम को हैक कर लो जिससे हमें कुछ टाइम मिल जाए। सिगरेट हाँ कर देती है। नोरा और आंद्रे ट्रॉल के एक फैमिली मेंबर के हेडबोन को लेके एक्बर्ग जा रहे होते हैं ताकि ट्रॉल उनके पीछे आ जाए, और होता भी ऐसे ही है। नोरा ट्रॉल को लेकर एक्बर्ग पहुंच जाती है। उसी टाइम क्रिस यूवी लाइट ऑन कर देता है जिससे ट्रॉल की स्किन मेल्ट होने लगती है और वो स्टोन बनने लगता है। ये सब नोरा से देखा नहीं जाता। तभी नोरा लाइट ऑफ कर देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी सुबह हो जाती है, सनलाइट पड़ने से ट्रॉल मारा जाता है और ये मूवी यहाँ काफ़ी दुख के साथ ख़त्म हो जाती है।